कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। हेलो सुधा जी, आप लाइन पे हैं? हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी मैम। हेलो, आई जी, आवाज बेटा? हाँ जी, आपकी आवाज आ गई है। हमारी प्यारी सी लाडली बेटी, हमारी जान और मसीहा, आप दोनों को हमारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकात। बहुत आदाब। खूब, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है कि जन्नत से होली की परी उतर कर आई हो। आप हमेशा खुश रहिए, सलामत रहिए, समझे? शुक्रिया मैडम। आपके निकाय मिले। सर आज लाइट नहीं थी, बिजली कड़की, उसके से ट्रांसफार्मर फूक गया। बहुत दुख हुआ, आपकी गजल नहीं सुन पाई, दोनों उसमें आपसे जोड़ नहीं पाई। हालांकि फोन से बात कर सकती थी, लेकिन जब तक आपको सामने नहीं देखती ना, तो बोलने में मजा नहीं आता। इंशाल्लाह अब लाइट आई है, खुदा का शुक्र है कि आपसे बात हो पा रही है। लेकिन आपकी गजल मिस करी हमने, कल भी की और आज भी की, दोनों दिन की शगुफ्ता ने आपको आपकी। बहुत याद किया। हाँ सर, लाइट ही नहीं थी, क्या करती, मैं बहुत मजबूरी रही, मुझे बहुत दुख हुआ। शगुफ्ता कल 11 बजे लाइव आई नहीं थी, और आ जाई तो हम बात नहीं कर पाए। सर मेरा कल सवाल था, वो अधूरा रह गया था। सर जी अगर आप इजाजत दें तो, या मैं कहूँ या आप, दो शेर सुना दीजिए गजल के, एक तो तीसरे वाला। अच्छा, अरे पूरे। मसल्ले शेको ब्रह्मन के भी कुछ कम तो नहीं, और हम जैसों को असनाम की तकलीफें हैं। वाह, उस हवेली में भी पोशीदा है गमतूर बहुत, उस दरीचे की भी बाम की तकलीफें हैं। सर मेरा सवाल है, बस दो ही सुनाए हैं सर, पता नहीं हिंदी चैनल पे कोई पसंद करता है नहीं करता। इच्छा थी कि मैं सारा पढ़ूं सर। मेरा कल सवाल था वो अधूरा रह गया था। मेरे को शैलजा से भी शिकायत है और शुभकता से भी। शुभकता तो सारी बात मेरे पर टाल देती कि मेरा कसूर है, लेकिन मेरा जवाब पूरा देता ही नहीं सर। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता। अच्छा पूछिए मैम, आज हम याद कल, रखेंगे। हाँ कल बस एक ही पूछूंगी, दो नहीं पूछूंगी। इसीलिए कल का अधूरा था जी। कि मेरी प्यारी सी दोस्त है, उनकी जो बेटी है 48 साल है, हाँ उनको पसीना बहुत आता है, सर्दी में भी वो पंखा चलाकर सोती हैं। ठीक है। ये इनको मीनोपॉज के बाद जो है ना स्टार्ट हुआ है, ऐसा सर्वाइकल है, थायराइड है, पूरी बॉडी में पेन है। वो तो सर मैंने आपकी सारी दवाइयां उनको बता दी, सर्वाइकल की तीनों एक्सरसाइज भी, थायराइड वाला नुस्खा भी, और पूरी बॉडी में पेन है उनको, थाइस वगैरह में भी, उसके लिए सियाबोन। पहले वो बहुत हेल्दी थी, अब उन्होंने वेट लॉस भी किया है, पैदल भी चलती हैं। अब ये बताइए कि उन्हें पसीना क्यों आता है, और उसके लिए जैतूने नमक मीठे सोडे के साथ दें या कुछ और, कैसे दूं, रहनुमाई कीजिएगा, ठीक है मैम। अर्ज है आपकी नजर। कुदरत के करिश्मों की अगर रात ना होती तो ख्वाबों में भी तुमसे मुलाकात ना होती। वाह, यूं तो दिल की गहराइयों में चाहते हैं तुम्हें, लेकिन क्या करूं, कभी तुमसे मुलाकात नहीं होती। वाह, जी पहले तो ये कि ये शिकायत करती हैं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और हम जैसे लोगों को मंत्रमुग्ध कर कर देती देती है, है। हिंदी में ये कहते हैं जी ना। जी जी तो जब आपके मंत्र के दायरे में हम आ जाते हैं, तो मैं हूँ या शगुफ्ता हो या ये शैलजा हो, फिर हमें याद कैसे रहेगा कि आपने क्या सवाल किया था। बहरहाल आप जुड़ गई, हम याद कर रहे थे, मैं और शगुफ्ता। आपको शगुफ्ता थोड़ी अलील है, बीमार है, और मैं भी कुछ ज़्यादा सेहतमंद नहीं हूँ। देखिए, आप तो सारे नुस्खे जानती हैं,
उस बच्ची के लिए आपने जो नुस्खा बताया है, एक्सरसाइज भी बताई होगी और वो वेट भी उनका कम होने लगा, समझ लीजिए कि उनको फ़ायदा शुरू हो गया। और ये नमक जैतून किसी सूरत में अगर वो ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर नमक जैतून और खाने का सोडा एक दो बार लिया करें। इससे उनके दूसरे रोगों के साथ पसीने आने का रोग भी जाता रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है।